सीजीपीएससी मामले में सीबीआई एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में पहुंची। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे पड़े। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला और भिलाई में पूर्व आईएएस के ठिकानों पर सीबीआई फाइलें खंगाल रही है। धमतरी में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के घर पर भी रेड पड़ी। दरअसल पीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों की भर्ती नियमों को दरकिनार करके की गई है। मामले में काफी हंगामे के बाद साय सरकार ने 6 मार्च 2024 को सीजीपीएससी भर्ती की जांच सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन तामन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद से राज्य सरकार ने इस गंभीर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई की टीम राजेंद्र शुक्ला के बिलासपुर के यदुनंदन नगर और तिफरा स्थित पुराने और नए घर में पहुंची है। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे का भी नाम सीजीपीएससी मामले में आना बताया जा रहा है। वहीं सीबीआई की टीम भिलाई में पूर्व आईएएस अधिकारी अमृत खलको के घर भी पहुंची। इसके बाद सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी के घर पहुंची। आपको बता दें कि सीबीआई 15 जुलाई को भी छत्तीसगढ़ पहुंची थी। उस दौरान भिलाई में तामन सिंह सोनवानी के नेहरू नगर के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तामन सिंह सोनवानी सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं।